नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की। बांदा में अशोक लाट चौराहे पर कांग्रेसियों ने शुरू किया था मौन सत्याग्रह आंदोलन। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कांग्रेसियों का पूर्व निर्धारित था सत्याग्रह आंदोलन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे को देखते हुए पुलिस ने सुबह से ही कांग्रेसियों पर कस रखा था शिकंजा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रद्युमन दुबे को उनके आवास में ही पुलिस ने किया हुआ था हाउस अरेस्ट। पुलिस को चकमा देकर सत्याग्रह आंदोलन स्थल पर पहुंचे दर्जनों कांग्रेस नेताओं की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा सरकार को तानाशाह बताते हुए लोकतंत्र को खत्म कराने का लगाया। के साथ ये भारत की सरकार अमानवीय घटनाएं कर रही है। कहीं उनकी सदस्यता खत्म की जा रही, कहीं उनका बंगला खाली कराया जा रहा है, उसके विरोध में हमारा ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह है। अशोक लाट में हम सारे कांग्रेसजन बैठे हैं, शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ये जानकारी है। अब बाकी ये निकम्मी सरकारें और उन निकम्मी सरकार की निकम्मी पुलिस क्या क्या करेगी, ये आगे की बात है, लेकिन हमारा सत्याग्रह जारी है। क्या वजह रही है अध्यक्ष को आपके हाउस अरेस्ट कर लिया गया? क्या वजह क्या रही भाई, राहुल गांधी जी का मामला है, राहुल जी की जबरन सदस्यता खत्म की गई, राहुल जी का बंगला खाली कराया जा रहा है, लोकसभा में पूरे विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, यही सब विरोध के कारण है। राहुल जी के साथ जो अन्याय हुआ उनके समर्थन में हम लोग शांति पूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग कोई आवाज नहीं निकालेंगे बैठे। क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को? अरे न्यायालय पे भरोसा है तो न्यायालय ने सजा दे दी, लेकिन न्यायालय की सजा के बाद ये सजा देने वाले कौन होते हैं कि आनन फानन उन्होंने सदस्यता खत्म कर दी। सरकार तो कह रही है कि न्यायालय का फैसला इसको लेकर सम्मान